दोस्तों ये है विंग्स कंपनी का ग्लाइड नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन। वैसे बॉक्स पर इसकी कीमत 4,499 रुपये दिया हुआ है, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए ये आपको सिर्फ 999 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 999 रुपये में। तो ये जो ईयरफोन है इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जानने के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है विंग्स कंपनी का ग्लाइड नेकबैंड वायरलेस ईयरफोन्स। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। अब जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ये IPX7 सर्टिफाइड है, मतलब कि स्वेट रेजिस्टेंट है। इसमें बिल्ट इन सब वूफर है एक्स्ट्रा बेस के लिए। और फुल चार्ज पर ये जो ईयरफोन है ये आपको तकरीबन 8 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे देगा। और इसमें HD माइक्रोफोन भी है, कंफर्टेबल फिट के साथ में आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्राउडली डिजाइंड इन इंडिया है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि बॉक्स पर इसकी कीमत लिखी हुई है 4,499 रुपये, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए ये आपको तकरीबन 999 रुपये में मिल जाएगा। और ये देखिए बॉक्स के अंदर आपको ये ईयरफोन मिलता है और कुछ और चीज़ें मिलती हैं। मैं एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ कि बॉक्स में कुछ रह तो नहीं गया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, ये देखिए। तो बॉक्स के अंदर आपको ये यूज़र गाइड मिलेगा जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, ये देखिए। और आपको ये डेटा केबल मिलता है, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल, जिसका उपयोग करके ये जो नेक बैंड है इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उससे आप चार्ज कर पाएंगे। और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स भी मिलते हैं। और बॉक्स में ये है नेक बैंड ईयरफोन विंग्स ग्लाइड। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों ये है विंग्स ग्लाइड और ये एक नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन है। ये देखिए इस प्रकार का दिखता है, नेकबैंड के साथ में आता है। और देख सकते हैं कि जो नेकबैंड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर विंग्स लिखा हुआ है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है, मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। और इस साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 बटन्स दिया हुआ है जिससे आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। अब ये जो नेकबैंड है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन ईयरबड्स को, ताकि ये जो ईयरबड्स हैं आपके कानों से गिरे नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ईयरबड है इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी अलग किस्म की है, डिज़ाइन भी काफ़ी अलग किस्म का है। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए विंग्स का लोगो दिया हुआ है। और अगर आप इस एंगल से देखें तो इसका जो डिज़ाइन है एकदम यूनिक किस्म का है। इनफैक्ट मुझे ये जो डिज़ाइन है काफ़ी पसंद आया और आशा करता हूँ कि कानों में भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैट फिनिशिंग दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट ये नेक बैंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एक प्रीमियम किस्म का लग रहा है। और 999 रुपये के प्राइस टैग में बहुत ही बढ़िया बाय है। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। अगर आपको वायर को एडजस्ट करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से आप जो वायर है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों साइड पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए। चलिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ, उसके लिए मुझे ये जो बटन है इसे प्रेस करके कुछ देर होल्ड करना है। ये देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर LED नोटिफिकेशन है जो लाइट अप हो गई है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये जो ईयरफोन है ये ऑन है या नहीं। और देख सकते हैं कि अब ये पेयरिंग मोड में चले गया है। मैं अपने स्मार्टफोन के साथ में इसे पेयर कर लेता हूँ और फिर इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। चलिए अब मैं आपको बटन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो बटन है बीच वाला, इसे प्रेस करते ही एक बार प्रेस करेंगे तो जो गाना है वो प्ले होना शुरू हो जाता है। अगर वो पॉज्ड है तो फिर से प्रेस करेंगे तो गाना अगर प्ले हो रहा है तो पॉज हो जाएगा। और ये जो प्लस और माइनस बटन है इनका उपयोग करके आप जो मीडिया है उसे चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट सॉन्ग में चल गया है। अगर मैं माइनस को प्रेस करूँ, माइनस को मैं कुछ देर प्रेस करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। ये देखिए माइनस को मैंने प्रेस किया है और अब छोड़ दिया है। देख सकते हैं कि प्रीवियस सॉन्ग में चले गया है। तो इस प्रकार से आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करना है, जैसे कि मैं आईफोन का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये जो बीच वाला बटन है इसे मुझे डबल क्लिक करना है। ये देखिए अब वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो गया है, सीरी एक्टिवेट हो गया है आईफोन पर। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से आप इस नेकबैंड को पहन सकते हैं। ये देखिए मैंने गले में पहन लिया है। और ये जो ईयरबड्स है आपको फिर इस प्रकार से पहनना है। ये जो नेकबैंड है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन ईयरबड्स को,
ताकि ये जो ईयरबड्स है इतनी आसानी से गिरने वाले नहीं है। तो अगर आप बहुत ही इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए इस प्रकार का जो नेकबैंड है काफ़ी काम में आता है, खास करके अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान गाना सुनना पसंद है तो। अभी जो ईयरबड्स है इस प्रकार से आपके कानों में फिट हो जाते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है और आपके कानों को एक तरह से सील भी कर देता है, और इसका जो डिज़ाइन है खास करके मुझे बहुत पसंद आया। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप इन ईयरफोन्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे अपने कानों से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये मैग्नेटिक भी है, ये देखिए आपस में चिपक जाता है, और जो मैग्नेटिक बॉन्डिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्रकार से आप इसे अपने गले में पहन सकते हैं माला की तरह। अभी जो ईयरफोन है इसमें ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, और साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो इसमें नियोडीमियम ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है। बेस काफ़ी बढ़िया है जैसे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है, वोकल्स क्लियर है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसे आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूँ तो इस ईयरफोन को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, मतलब कि ये काफ़ी बढ़िया ईयरफोन है और इसका जो प्राइसिंग है बहुत ही बढ़िया है, 999 रुपये। दोस्तों इस ईयरफोन का मैं गिव अवे कर रहा हूँ, नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ। और गिव अवे में भाग लेने के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, उसका आपको जवाब देना है। प्रश्न ये है कि इस ईयरफोन की सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगी। आपको अपना जो उत्तर है कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे दे सकते हैं। मैं 26 तारीख को मतलब कि 26 जून को एक विनर को सेलेक्ट करने वाला हूँ, और उस विनर को मिलने वाला है ये नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन। तो गिव अवे में ज़रूर भाग लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।